बरसात के मौसम में हम अक्सर पकौड़े खाना पसंद करते हैं और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पकौड़े की बहुत ही अमेजिंग रेसिपी जिसका स्वाद आपको बहुत पसंद आएगा। सिंपल रेसिपी है, कम इंग्रेडिएंट्स लगेंगे और केवल 15 मिनट में ये बनके तैयार हो जाएगा। तो बरसात हो या चाय का समय, आप इस रेसिपी को ट्राई करें, ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। और यदि आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो में कॉमेंट कर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए आज की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। पत्ता गोभी या बंद गोभी और प्याज के कुरकुरे पकौड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप पत्ता गोभी लिया है। मैंने इसे लंबाई में काटा है, आप चाहें तो इसे अपने हिसाब से काट सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो ये मैंने 2 बड़ा प्याज लिया है, इसे भी मैंने लंबाई में काटा है। तो जितना आप पत्ता गोभी या बंद गोभी लें, सेम क्वांटिटी में आप प्याज रखें। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक हरी मिर्च का पेस्ट। तो ये मैंने 1 इंच अदरक और 3 से 4 हरी मिर्च को पीस लिया है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, ये मैंने 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाला। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 हरी मिर्च डाली है, इसीलिए मैं थोड़ा सा कम लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मैंने 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाला है। 1/2 चम्मच अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन को ऐसे रगड़ के डालें ताकि इसका फ्लेवर इसमें आ जाए। अब हम इसमें डालेंगे बेसन। तो ये मैंने 3/4 कप बेसन डाला है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच गरम तेल, इससे पकौड़े जो है क्रिस्पी बनेंगे। तो ये मैंने 1 चम्मच गरम तेल डाला। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर पकौड़े बनाने के लिए हमने प्याज का इस्तेमाल किया है। तो प्याज जो है मॉइस्चर रिलीज़ करता है और प्याज की वजह से इसमें खुद ही मॉइस्चर आने लगेगा। लेकिन हमने इसमें बंद गोभी भी इस्तेमाल किया है तो उस वजह से हमें इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ेगा। तो पानी आप इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालें, बस थोड़ा सा पानी ऐड करें और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। तो यहाँ पर यह मिक्सचर हमारा बनके तैयार है। आप चाहें तो इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दें और उसके बाद फ्राई करें, या फिर आप इसे तुरंत ही फ्राई कर लें। तो यहाँ पर यह मिक्सचर हमारा बनके तैयार है, चलते हैं अब इसे फ्राई करने के प्रोसेस में। तो इसे फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर तेल पहले से गर्म करके रखा है। इसमें पकौड़े डाल देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखें और मीडियम फ्लेम पर आराम से पकौड़ों को सिकने दें। यदि आप गैस का फ्लेम तेज़ रखते हैं तो उससे पकौड़े जो है ऊपर से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो यदि आपको कुरकुरे पकौड़े बनाने हैं तो आप इस तरीके से, मतलब गैस का फ्लेम आप मीडियम रखें और मीडियम फ्लेम पर पकौड़ों को सिकने दें। और जैसे ही पकौड़े एक ओर पक जाए इसे हम पलट देंगे। तो यहाँ पर बस गैस का फ्लेम मीडियम रखें और पकौड़ों को मीडियम फ्लेम पर सिकने दें। यदि आप पकौड़ों को हाई फ्लेम पर सेकते हैं तो ये क्रिस्पी तो हो जाएंगे लेकिन तुरंत ही ये सॉफ्ट होने लगेंगे। तो यदि आपको पकौड़ों को ज़्यादा देर क्रिस्पी रखना है तो उसे आराम से मीडियम फ्लेम पर सिकने दें। तो यहाँ पर हमने इन पकौड़ों को बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। हमने इसमें ना ही चावल का आटा ना कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल किया है, बस घर में जो चीज़ें आसानी से अवेलेबल होती है वही चीज़ों से बनाया है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये पकौड़े हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, ये दोनों तरफ से अच्छे से पक गए हैं। इसे निकाल लेंगे और सेम इसी तरीके से हम बाकी के पकौड़े तल के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर ये एक बैच हमने फ्राई कर लिया है, सेम इसी तरीके से हम बाकी के पकौड़े फ्राई करके तैयार करेंगे। और ये हमारी बहुत ही अमेजिंग गर्मा गर्म बंद गोभी और प्याज के कुरकुरे पकौड़े बनके तैयार है। तो आप इस सुपर टेस्टी और अमेजिंग पकौड़े की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। यदि आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट कर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलें।